गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप में से कई छात्रों के सवाल हमारे पास आए हैं जो सरकार द्वारा जारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में है। कई तरह के सवाल हैं। पहला सवाल जो बच्चों का है वो ये है कि क्या सीमित समूह के संस्थान में इस योजना के तहत वो नामांकन ले सकते हैं? तो जवाब है कि बिल्कुल, आपको इस योजना के तहत सीमित समूह के संस्थानों में, चाहे कैटलिस्ट कॉलेज हो, चाहे सिमेज हो, चाहे सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज हो, चाहे SSCPTM महाविद्यालय जो हमारा कॉलेज है, तो हमारे जितने भी कॉलेज है, चार कॉलेज है जिसमें से कि तीन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है और एक आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है, तो इन चारों ही महाविद्यालयों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नामांकन लेने की सुविधा आपको मिलेगी। और कई छात्र कह रहे हैं कि उनके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो बच्चे, जब तक कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता है। आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तभी बनता है जब आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकन मिलता है, आपका एडमिशन हो जाता है, उसके एडमिशन रजिस्टर पर आपका नाम चढ़ जाता है और वो संस्थान आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देता है अपने बोनाफाइड स्टूडेंट होने का। वो आपको प्रमाण पत्र देता है, साथ में आपको वो सिलेक्शन लेटर देगा, साथ में वो आपको फीस स्ट्रक्चर की ऑथराइज कॉपी देगा, उसके साथ में वो आपको अपने कॉलेज का अफिलिएशन का डॉक्यूमेंट सब देगा जिससे कि उसके मान्यता का भी प्रमाण आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ में फिर आप अपने दस्तावेज लगा करके अपने प्रमाण पत्र जो भी आपकी जो लगते हैं सरकार की द्वारा उसकी लिस्ट जारी की गई है, अपने जिला के जो DRCC डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसलिंग सेंटर जो होते हैं वहां पर आप जब उसको DRCC के ऑफिस में आप आवेदन करते हैं, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके कॉलेज, हमारे कॉलेज में आएगी टीम जो जांचेगी कि आप हमारे छात्र हैं या नहीं है, हम वेरीफाई करेंगे कि आप हमारे छात्र हैं, और उसके बाद फिर आपका एग्रीमेंट होगा और फिर आपके खाते में आपके हॉस्टल का खर्च या आपके जो स्टेशनरी का खर्च है वो आपके खाते में जाएगा और जो कॉलेज के खाते में आपकी फीस आएगी। ये प्रक्रिया है। और सीमित संस्थान में आपको नामांकन के वक्त ₹25,000 जमा करना पड़ता है, जिसकी राशि आपको, जो पहले वर्ष की राशि होती है उसकी राशि जब आपके कॉलेज में फीस आती है DRCC से, तब आपको वो राशि वापस भी हो जाती है। और यहाँ पर छात्रों का यह भी प्रश्न है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो सरकार पैसा दे रही है, क्या ये सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है या ये लोन है? तो जैसा कि नाम से ही जारी है कि ये लोन है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोन है, लेकिन जैसा कि सरकार ने घोषणा करी है कि इस योजना के तहत जो छात्र लाभ लेके पढ़ रहे हैं उनको इस राशि को 82 किस्तों में वापस करना होगा, और शुरुआत के जो 3 वर्ष जब तक आप पढ़ रहे हैं उसके बाद का एक मॉरेटोरियम पीरियड जो कि 6 महीने से लेकर 1 साल का पीरियड है, उस पीरियड में आपको कोई ब्याज नहीं देना है, आपको लोन वापस नहीं करना है, और उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आपके लोन वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है जो आपको 82 किस्तों में देनी होती है। और छात्रों के लिए ब्याज की दर जो है वो 4% है, छात्राओं के लिए ब्याज की दर 1% है, अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए भी ब्याज की दर मात्र 1% है। लेकिन यहीं पर एक घोषणा मुख्यमंत्री की भी है कि यदि किसी छात्र को जॉब नहीं मिलता है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो क्या वैसी स्थिति में वो लोन कहां से वापस करेगा? तो सरकार ने इसके लिए नोटिफाई भी कर दिया, मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी कि ऐसे छात्रों को लोन माफ किया जाएगा जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है। उनको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, और उनका लोन वापसी की जो प्रक्रिया है वो स्थगित रहेगी, उनको लोन वापस नहीं करना होगा तब तक। तो इस तरह का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब यहां पर ये प्रश्न उठता है कि ये लोन किसको मिलेगा, कौन इसके लिए पाने के हकदार होंगे? तो हर एक वो छात्र जिसने बिहार से 12th की परीक्षा पास की हो, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो वो बिहार से जिसने PG किया हो, उसके लिए ये योजना लागू होगी। उनके परिवार की जो सालाना आमदनी है वो 8 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। अब छात्र पूछते हैं कि जाति कौन सी होनी चाहिए, तो आपकी जाति कोई भी, अगर आपकी परिवार की वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है तो आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वो DRCC के वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे कि आपके कॉलेज जो है उनका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका नाम वहां पर नहीं होता है। तो आपको देखना होगा कि जिस संस्थान में आप नामांकन कराना चाह रहे हैं वो बिहार सरकार के DRCC की वेबसाइट पर उनका नाम है या नहीं है, ये एक चीज देखनी होगी। दूसरी बात, जो बिहार के बाहर के संस्थान है उसके मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे मामले सुनने में आए हैं जहां छात्रों ने नामांकन ले लिया या कई दलालों के चक्कर में छात्र पड़ गए, एजेंट्स के चक्कर में छात्र पड़ गए, और फिर उनको ना तो उनका करियर भी बर्बाद हुआ, उनका एडमिशन भी कैंसिल हुआ और उनके वो उनका वहां पर लोन जो है वो सैंक्शन नहीं हुआ।
तो आपको वैसे संस्थान में ही नामांकन लेना चाहिए जो डीआरसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और एक बात और निकल के आती है कि क्या सरकार सभी छात्रों को लोन देगी, तो देखिए सरकार ने ऐसा कोई कोई कहा नहीं कि वो सबको लोन नहीं देगी, उसने यही कहा कि सबको लोन देंगे, लेकिन एक सरकार की भी सीमा होती है। और आप देखिए बिहार में लगभग 8-9 लाख छात्र जो है वो 12th की परीक्षा पास करते हैं, जो कि सीबीएसई से, आईसीएसई से और बिहार बोर्ड से सब मिला करके, तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं। इनमें से काफी छात्र ऐसे हैं जो कि शायद 12वीं की परीक्षा के बाद आगे पढ़ाई जारी ना रखें, लेकिन जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उनमें भी बड़े पैमाने में छात्र हैं जो कि इस योजना का लाभ लेंगे। और सरकार ने इस वर्ष के लिए, वर्ष 2020 के लिए 1 लाख छात्रों को लोन देने की सरकार ने व्यवस्था की है। तो ये 1 लाख छात्रों को लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर 1 लाख से काफी ज्यादा संख्या में छात्र आवेदन करेंगे तब क्या होगा, तो निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है वो यह है कि जैसे जैसे छात्र आवेदन करते हैं उनका लोन सैंक्शन होता है, उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर एडवांटेज जो है वो उन छात्रों के लिए है जो पहले आवेदन कर रहे हैं, जो लोग पीछे बाद में आवेदन करेंगे हो सकता है उन लोगों को का समय आते आते, नंबर आते आते बहुत विलंब हो जाए, और अगर आप विलंब कर रहे हैं तो यह आपके लिए शायद आपके करियर के लिए, आपके करियर के प्लान के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए आपको समय के साथ डिसीजन लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, और सरकार के खर्च पे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ना चाहिए जहां बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, जहां अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो सक्सेस का, रिजल्ट का, प्लेसमेंट का। कॉम्प्रोमाइज करके मत पढ़िए जहां पे क्लासेस नहीं होती हो, जहां पढ़ाई ठीक से नहीं हो, जहां शिक्षक अच्छे नहीं हो, जहां रिजल्ट अच्छा नहीं हो, जहां प्लेसमेंट के लिए कंपनियां नहीं आती हो, जहां पुराने बैचेस का प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, ऐसे कॉलेज में आप मत पढ़िए। आप ऐसे जगह पढ़िए जहां आपको बेस्ट पढ़ाई मिले ताकि उस योजना का भी लाभ मिले। और आपका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि आपको जॉब ना मिले और आपको पैसा वापस ना करना पड़े, उल्टा आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि निश्चित रूप से आपको जॉब मिले जिससे आपके परिवार की आमदनी बढ़े, परिवार का रहन सहन सुधरे, आपका करियर बने, आपका जीवन सुधरे। आप सरकार के पैसे पे पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, उस कॉलेज में मिली पढ़ाई के बल पर, सरकार द्वारा दिए गए फीस के बल पर आपको जॉब मिली, और उस जॉब से जो इनकम हो रही है उससे आप सरकार को लोन वापस कर रहे हैं। तो आपका एजेंडा, आपकी नियत हमेशा लोन को वापस करने वाली होनी चाहिए, अपना करियर बनाने वाली होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से कोई फायदा आपको नहीं होगा, फायदा आपको तब होगा जब आपका जॉब मिलेगा, आपको करियर मिलेगा, आपका लाइफ में सेटलमेंट आएगा, है ना। तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1 लाख छात्रों को सरकार इस वर्ष लोन देना चाहती है, पिछले वर्ष 75,000 से ऊपर की संख्या में छात्रों को दिया गया था, तो आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा अधिक आपको इस पर सोचना होगा कि कितना आप अगर विलंब कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगले 1 से 2 महीनों के अंदर में 1 लाख आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो लोग आते हैं, 1 महीने के बाद जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत कठिनाई होगी। ऑलरेडी काफी बड़ी संख्या में आवेदन डीआरसीसी के केंद्रों में हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी छात्र सीमित संस्थान से जुड़े हुए हैं वो लोग अब अवश्य करके जल्दी करें, और उनकी 1.5 लाख, उनकी 1 लाख की सीमा भी पूरी हो जाएगी। और मुझे लगता है उसके पहले सीमित संस्थान में जितनी सीट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में सीट है, हमारे यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट्स है हर एक कोर्स में, कहीं पर हमारे पास 60 सीट्स है, कहीं पर हमारे यहाँ 120 सीट्स है, तो इतनी कम सीट्स है हमारे यहाँ वो भी भर जाएंगी। तो इसलिए आप अपना निर्णय जल्द से जल्द दें, और आप सभी लोगों को पुनः बहुत शुभकामना। आपके जो भी प्रश्न हो आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।